अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ दुनिया के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद लॉर्ड नजीर अहमद और डॉक्टर मुईद पीरजादा। अफसोसनाक सूरत हाल कश्मीर की, और जहां रोज आए रोज कश्मीरी शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी इस वक्त फिलहाल कुछ करने से कासर है और एक अरसा हो चुका है जुल्म सितम को। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर इस बाबत बात करते हैं। लहर उठी आजादी की, कश्मीर की वो पहचान पर, वो शौक शहादत जिंदा है, ये जान तो आनी जानी है। इंसानी अकदार की पामाली करता सफाक भारत 70 बरस से कश्मीरियों को खून में नहला रहा है। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय जालिमों ने आज़ादी के मतवाले 20 कश्मीरी बेदर्दी से शहीद कर दिए, लेकिन आज़ादी की गूंज है कि हर लहजा बुलंद होती जा रही है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जन्नत नजीर वादी की माएँ शहीदों को अलविदा करने खुद सड़कों पर आ चुकी हैं। They think that the Kashmiri struggle for freedom will end by such means, but God willing, the freedom movement will rise like the sun, and this struggle belongs to our youngsters. Pellet guns ke taaza istemal ne 2016 mein bharati barbariyat ki yaad taaza kar di hai. Udhar siyasi mahaz sambhale Kashmir ki puramn huriyat qiyadat bhi Bharat ke samne seena sipar hai. Kya ye shuna haqeeqat ki yuta Hindustan ye ke naujawanon khaas kar पुष्प देवार करान छू तीटा शेत चन नौजवानन मज हिंदुस्तान के हवाल गम गुस्सा मज इजाफ गसा कमी छन गसान की। खुद भारत नवाज कश्मीरी कयादत समेत कठपुतली वजीराला की जबान पर भी सच गिला बनकर आ गया है। पाकिस्तानी कयादत का बयान की सूरत रिवायती एहतजाज अब खोखला नजर आता है। तस्लीम शुदा हकीकत है, सलामती काउंसिल की करारदादे ही वो बुनियादी सतून है जिन पर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का मुकदमा कायम है। हमारा मौकफ है कि मसला जम्मू कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत होने वाले इस्तिस्वाब राय के जरिए ही होगा। उधर गैर मुअस्सर कश्मीर कमेटी के मुस्तकिल चेयरमैन के ताज़ा रवैये ने निहत्ते कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। हमला कर दूँ? बताओ ना, आप साथ होंगे? पाकिस्तान में अलबत्ता सिविल सोसाइटी और कश्मीर पर वाज़े मौकफ रखने वाले कायदीन भारतीय बर्बरियत पर नोहा के ना है। हमारा क्या कसूर है? हम आज़ादी मांग रहे हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस दहशतगर्दी को रोकने में आप लोग हमारा साथ दें, निकलें बाहर, सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें, दुनिया भर को ये बताएं कि आप कश्मीरी कौम पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको रोकने में हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बने। सोशल मीडिया पर भी भारतीय जबर के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान की सियासी कयादत समेत सेलिब्रिटीज भी अपने जज्बात का इजहार किए बिना न रह सकी। अक़वामे मुत्तहिदा की जाने बास लगाए कश्मीरियों के लिए भी सेक्रेटरी जनरल ने तशवीश की चंद सत्रों पर इक्तफा किया। कश्मीर के रहनुमा अली गिलानी OIC के किरदार से मुतालिक नेक गुमान रखते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि सऊदी वली अहद ने भी कल खुलकर जालिमों के हक में बयान दाग दिया है। सारी सिचुएशन आपने देख ली डॉक्टर मुईद, OIC का अब तक किरदार क्या रहा और सैयद अली गिलानी अभी इतने होपफुल क्यों हैं? ये मसला हल कैसे होगा? OIC का किरदार जो है वो खासा कमजोर रहा, बहुत ही काबिल मजम्मत रहा। अली गिलानी शायद लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मुझे दुनिया इस्लाम में, इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं पर भी फलस्तीनियों के लिए भी या और कश्मीरियों के लिए किसी किस्म की कोई हमदर्दी या दिलचस्पी जो है वो नज़र नहीं आती। जब कभी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो वो सिर्फ एक मजबूरन किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं अपनी सड़क पे, जिसको कहते हैं स्ट्रीट को खुश करने के लिए दे दी जाती हैं। जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके ये इश्यूज़ ही नहीं हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसके जो कंसर्न्स हैं, उसमें ना तो अब फ़लस्तीन है, अरब्स का हालांकि वो खुद इशू है लेकिन वो भी उनके सामने नहीं है, और कश्मीर तो कभी भी उनका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। मैं समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंजर आदम से गुम होने के बाद 1977-79 के बाद मिडिल ईस्ट ने कभी भी कश्मीर के साथ उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया है जिस तरह से वो पहले गालिबन उन्होंने किया है 60s में या 70s के अंदर उन्होंने किया है। सो ये सूरत हाल इस किस्म की है। मुझे नहीं पता लॉर्ड अहमद इस पर क्या कहेंगे, जब ये आप डॉक्यूमेंट्री दिखा रही थी, रिपोर्ट, मैं यही सोच रहा था कि आखिर हल है क्या, आखिर हिंदुस्तान क्या चाहता है, हम क्या मदद कर सकते हैं, यानी आखिर इस सारी तकलीफ का, इस सारी अजियत का सोल्यूशन है क्या?
ये क्या सलूशन ये इस तरह से दरियाफ्त किया जा सकता है कि कश्मीरियों को भारत भी ये मौका दे कि वो इस्तेस्वाब राय दें, पाकिस्तान भी ये मौका दे इस्तेस्वाब राय दें। लेकिन लॉर्ड अहमद की तरफ ले जाती हूँ मैं सवाल। लॉर्ड अहमद, ओआईसी के किरदार के हवाले से सवाल डॉक्टर मुईद के सामने मैंने रखा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का किरदार या जो इसके इंसानी हकूक कमीशन है उसका अब तक किरदार क्या रहा और ये कितना मुअसर साबित हो सकता है? आयशा डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ओआईसी तो मैं पहले भी कहता हूं कि एक डिनर क्लब है, वहां पे कोई फैसले जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी सीरियसली नहीं लेती। ये सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट वहां पे जाके बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी वो अपने टीवी चैनल्स जो उनके गवर्नमेंट के होते हैं उन पे दिखाने के लिए होते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ पावर्स हैं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मसले को रेज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं करेगा जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं। देखें, मैंने डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में भी दो तीन दिन पहले मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर काश के इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जब उनकी अपनी जमीयत का जलसा होता है कराची में, लाखों लोगों को जमा करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जब अपने मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है सवात में लाखों लोग को जमा करते हैं, इमरान खान साहब लाहौर में लोगों को जमा करते हैं लाखों में, ये सारे अगर जितनी पॉलिटिकल, और आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे ही करते हैं, तो ये कश्मीर एक ऐसा मसला है जो नेशनल मसला है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इसको फील करती है, ओनरशिप देती है। अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ऐलान करके कॉन्स्टिट्यूशन हिल को ब्लॉक कर देते एक दो घंटे के लिए, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, कोई आपको डिप्लोमेटिक कॉस्ट नहीं है, और उस दिन लोग वहां पे आते और दुनिया को पता चलता कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हिल को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ब्लॉक कर दिया है, लोग बाहर निकले। सिमिलरली फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि हम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को जो है वो तस्लीम करते हैं उसी के तहत होना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखते, उनको बताते कि लाइन ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर सीज फायर वायलेशंस कितनी हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी जानें नुकसान हुई हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर पैलेट गन्स के नुकसान कितना हुआ है, वहां पे लोगों को रीसेंट जो 20-22 आपने रिपोर्ट में जो बताया है, लोग जो शहीद हुए हैं, लोगों को घरों से निकाल के, फिर 2017 में एलिगेशन है कि केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं और उसका एविडेंस भी मौजूद है, ये उनकी मॉरल और लीगल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 99 के तहत। तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जहां पे खतरा हो कि दो ममालिक के दरमियान जंग हो सकती है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो रिपोर्ट करें। और आपको पता है कि यूएन के ऑब्जर्वर यहां पे जो बैठे हैं और वो हिंदुस्तान के तरफ भी बैठे हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ उनको इजाजत नहीं है, हमारे यहां जाते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती, वो कहीं शेल्फ पे रख देते हैं जहां पे वो डस्ट कलेक्ट करती रहती है। तो ये चीजें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये सारी लिखते कि यस हम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट कश्मीरियों को दे रहे हैं, लेकिन जो जुल्म है उसको बंद करने के लिए, यहां पे जो जंग होने के खतरात हैं उनको बंद करने के लिए, और क्योंकि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं इसको हाईलाइट करते कि वो फैशिस्ट आरएसएस है, बीजेपी है, उनकी वजह से माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं इसको बंद करवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को एक सेशन हिंदुस्तान के ऊपर और उसकी बारबरियत पे रखना चाहिए। तो वो अगर यूएन वाले ना भी करते, आयशा एक मिनट सिर्फ, वो ना भी करते तो यूएन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता, वो ट्वीट कर देते साथ के मैंने लिखा है, लेकिन वो जवाब नहीं देते, उसको वायरल कर देते, कम से कम इंटरनेशनल इश्यू तो बनता। सैडली अगर वो मुजफ्फराबाद गए हैं और फिर वहां पे चंद लोग बैठ के फोटो शोटो बन गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कौन सा बड़ा कमाल कर दिया है, उन्होंने भी तो यही किया ना, मॉरल पॉलिटिकल सियासी हम सपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट कश्मीरियों को, अगर इन करारदादों का इतना ही खौफ होता तो भारत में बाकी दमाद से बाज रहता। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आपने बात की ट्वीट करने की, शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया लॉर्ड अहमद
और उसके जवाब में भारतीय मीडिया ISI के साथ उनका बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक साबित करने की कोशिश कर रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि आपको कश्मीर में बहते खून की मजम्मत करने के लिए ISI से ताल्लुक या एजेंट होना जरूरत नहीं है, इसकी आपके लिए इंसान होना काफी है। लेकिन इंसानियत दुनिया से खत्म क्यों होती जा रही है, फलस्तीन का मामला उठाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो डॉक्टर मुईद, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, सवाल आपके सामने रख दूं। कश्मीर की सिचुएशन के साथ फलस्तीन की सिचुएशन भी खराब है, लेकिन हम इसमें अमेरिका का भी कोई मौसर किरदार नहीं देखते जो कि आलमी हकूक का चैंपियन बनता है, और दूसरी जानब हम MBS को देख रहे हैं, वो तो इसराइल का हक तस्लीम कर रहे हैं जमीन पर। देखिए, वैसे तो फलस्तीन जो पैलेस्टाइन है उसकी भी बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है, लेकिन कश्मीर की जो सूरत हाल है वो फलस्तीन से ज्यादा दर्दनाक है। फलस्तीन की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि बहुत बड़ी तादाद में जो पैलेस्टीनियन ओरिजिन इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मगरब में पाए जाते हैं, वो यूरोप में हैं, वो बरतानिया में हैं, वो अमेरिका के अंदर हैं, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं, वो अरब दुनिया में भी हैं। अल जजीरा का बहुत बड़ा जो फोर्स कंपोनेंट है उसमें पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो और आप देखें कि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं या जो गाजा की पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कश्मीर के लोगों के मुकाबले में बेहतर है। और जो उनकी जो प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह ये है कि दुनिया के मगरब का जो बहुत बड़ा यूरोप का जो मीडिया है, बरतानिया का, यूरोप का जो मीडिया है, फ्रांस का जो मीडिया है, वो नॉर्वे का, अल जजीरा है, ये फिर भी उनके उनके इशू को दिखाते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले दो बरस में जो कुछ कश्मीर में हुआ तो उसमें आपको सिर्फ एक मुस्लिम कॉन्शियसनेस का मीडिया नज़र आता है, अल जजीरा का दोहा बेस्ड, जिसने कश्मीर के कॉज को उठाया, जिसकी वजह से फिर शर्म आने पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने या बरतानिया के मीडिया ने उसको उठाया। खुद पाकिस्तान के मीडिया ने कभी कोई एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं की। पाकिस्तान की हुकूमत में, सियासी जमातों के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको कश्मीर के अंदर के डायनामिक्स के बारे में किसी किस्म की मालूमात हों। तो हम यही कहते रहते हैं कि जो अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद हैं उन पे अमल होना चाहिए, वहां पर एक रेफरेंडम होना चाहिए। सूरत हाल उससे बहुत आगे जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, हिंदुस्तान की सियासत जो है वो एक इंतहाई इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गुज़िश्ता 30 बरस में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और RHS ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब हिंदुस्तान की सियासत के अंदर कांग्रेस को भी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी कैंपेनिंग रन करनी पड़ रही है। वो भी अपने आप को हिंदू बन के दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं कल ही एक इंडियन इंटेलेक्चुअल का इस पर पीस पढ़ रहा था, निलांजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत लिखा है, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी की इंतहा ये है कि राहुल गांधी जो हैं वो भी अपने आप को अब एक हिंदू जो है पिवत्तर ब्राह्मण की हैसियत से पेश कर रहे हैं। इतनी यानी सिचुएशन टुवर्ड्स राइट जा चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो हमने पलटा खाया है, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी इससे पहले पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल थी, लेकिन उनकी इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी जितनी नवाज शरीफ साहब की थी। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को दुनिया के सामने सेल किया है कि मैं भारत को एंगेज करना चाहता हूं भारत की टर्म्स एंड कंडीशन में, तो मैं दरअसल इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिस्पॉन्सिबल लीडर हूं। उसमें कश्मीर पे आवाज बंद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज था। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो कमजोरी थी और जो सरेंडर था उसका मोदी सरकार ने बहुत फायदा उठाया। सबसे पहले तो इस्लामाबाद को इस पर खर्चा करना था ना, जब आपने कश्मीर कमेटी को 20 करोड़ रुपए साल के दिए, अगर आप यहां पे थिंक टैंक्स को 30-40 करोड़ देते, मीडिया को एक पढ़ी लिखी एडवाइस देते, इंग्लिश में, उर्दू में आप लोगों को बताते कि एक्यूरेट फैक्ट्स क्या हैं, सोल्यूशंस हम एंगेज करते, भारतीय इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते, दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व करते, अल जजीरा को, गार्डियन को, उन सबको इन्वॉल्व करते, तो भारत की हुकूमत पे कुछ प्रेशर पड़ता। हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मोदी सरकार पे किसी किस्म का भी प्रेशर पड़ता, और हम ही प्रिंसिपली तौर पे इसके जिम्मेदार हैं कि हम एक तौर पे तो वहां सूरत हाल को हवा देते हैं अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस में, दूसरी तरफ हम उनकी जनरेशन हमने तबाह कर दी हैं। सो हम भी उतने ही मुजरिम हैं इस पूरी सूरत हाल में, जो हमने किया कुछ नहीं, आपने करना कुछ नहीं। का नाकामी का पोस्टमार्टम करके रख दिया, बिल्कुल सही बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, इस बारे में तो हुकूमत जवाब देगी, लेकिन अगर अपने मसाइल से निकल आएगी तो। लड़ अहमद, दोहरे मयार की अगर बात करें, मलाला पाकिस्तान आई, मलाला को इससे पहले भी इंटरनेशनल मीडिया उठाता रहा, लेकिन आहद तमीमी की कोई बात नहीं करता,
सवाल आपके सामने रखने का यह है कि हम भी मलाला को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा मीडिया अप्रिशिएट करता है, लेकिन वहां गोलियां खाती या जिद्दोजहद करती जो खातीन है या इसके अलावा जो कश्मीरी या फलस्तीनी है, उनको उस तरह से हीरो के तौर पर हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनकी ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है। अगर आप सुपरफिशियल वैसे जनरल बात करें, विमेन्स राइट, एजुकेशन और ये जो जो भी बातें करें वो जरूरी हैं, लेकिन आप किसी एक पावर को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि फलस्तीनी जो हैं वो इजरायली और ज़ायनिस्ट लॉबी, जो बहुत बड़ी लॉबी है, उसको अगर चैलेंज करेंगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप सिर्फ ये जो लैंड डे, राइट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज टू रिटर्न, ये वो बना रहे थे और तकरीबन 18 लोगों को शहीद किया गया, 1500 लोगों को लाइव एमिनेशन और बुलेट्स यूज किए गए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये बात जाती है तो वहां पे अमेरिका इसको ब्लॉक कर देता है, और जब यूएन कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इसराइल कहता है कि हम ना तो इन्वेस्टिगेशन करने देंगे ना ही अलाउ करेंगे किसी और को। तो वो जो पावर वहां पे है, वो आहद का तो आपने जिक्र किया, उसकी भी कोई यानी उस तरीके से जिस तरह अल जजीरा जो है वो चाहता है कि उसको भी ऐसे ही रिकग्नाइज किया जाए। मैं तो उसको रीट्वीट करता रहता हूं। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, कॉमन्स के अंदर भी उसके वालिद को भी हमने सुना। मैं एक बात जो है वो ट्वीट की आपने बात की थी, तो मैं अफरीदी साहब को अप्रिशिएट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो घबराता भी नहीं है वैसे, लेकिन उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि DGISPR साहब के साथ उसकी फोटो जो है, इंडियन मीडिया ने कह दिया कि वो ISI के DG बन गए हैं, और यानी वो उनके साथ बैठे हुए हैं। मुझे वो जब हमने बस कैंपेन चलाया था तो उस वक्त हिंदुस्तान के सारे मीडिया ने लॉर्ड कहना भी छोड़ दिया था, नाजर अहमद ISI मैन इन लंडन कहना शुरू कर दिया था। तो जो भी अगर कोई काम करे तो वो समझते हैं कि ISI के साथ कनेक्ट, मुझे तो कोई उसका यानी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ब्रिटिश मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हूं, अब कश्मीरी पाकिस्तानी ओरिजिन, और जो मैं काम कर रहा हूं मैं समझता हूं कि उनको भी, उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया। ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के, ये जो फॉल्स किस्म का न्यूज वो स्प्रेड करते हैं प्रेशर डालने के लिए। और देखें, ऐसा डॉक्टर साहब को भी ये पता याद है कि लास्ट टाइम जब उनके एक दो कोई फौजी जब मर गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके अमिताभ से लेकर सारे क्रिकेटर्स ने भी सपोर्ट के ट्वीट किए थे, उनके जितने स्टार्स हैं उनसे उन्होंने ट्वीट करवाए थे, रोने करवाए थे, लेकिन हमारे किसी ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। बल्कि मैं तो कहता था इनकी फिल्में बंद कर दें, ना देखें इनकी फिल्में, जो स्टार्स सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी फौज को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तो एक ही अफरीदी साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया था, हमारे तो बहुत कम लोग हैं जो ओपनली कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं, उनको इतनी तकलीफ पहुंचती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉबी है इसको क्रिएट करने के लिए, अगर आपके पास वो, मैं डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं, डॉक्टर साहब अगर आप देखें इंटेलेक्चुअल्स की आपने बात की, आर्टिकल्स की आपने बात की, तो आप जरा ये सोचें कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने या कश्मीरियों ने कितनी किताबें लिखी हैं पिछले 5-10 सालों में, कौन से हमारे पास वो लिटरेचर है जो हम किसी को दे सकें, और वो लोग मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं यहां पे भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, वो आजाद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो अपना मटेरियल जो है वो पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक आप इंटेलेक्चुअल बात नहीं करते, देखें मैं उस दिन जब डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में आया हूं, उस दिन यहां पे एक डेमोंस्ट्रेशन हो रही थी जहां पे जनाब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर आए, और ऑल पार्टी हरियत कॉन्फ्रेंस, और कोई 50-100 आदमी वहां पे खड़ा था, वो सिंबॉलिक वही बैनर्स बना के, सिंबॉलिक लाउडस्पीकर हाथ में रख के, मीडिया वालों से तस्वीरें बना के, एवरीबॉडी नोज। मुझे कहते हैं लॉर्ड साहब आप क्रिटिसाइज ना करें, इंडिया को पता चल जाएगा, इंडिया भाई देख रहा है, इंडिया के बंदे वहां पे मौजूद हैं, वो लाइव उनको दिखा रहे हैं कि आप वहां तो 50-100 बंदा है, अगर आप पूरा इस्लामाबाद भर देते
छोड़ें इस्लाम आबाद को, मुजफ्फराबाद ही जनाब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, मीरपुर को आप अगर सड़कें उसकी बंद कर देती, रावला कोट बाग को अगर आप बंद कर देते, अगर आप आते आप स्क्रीम करते और फिर हजरत मौलाना साहब जो हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं फजलुर रहमान साहब, अगर वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगर तशरीफ ले जाते, वो छोड़ते नहीं है ना इस्लामाबाद, क्योंकि उनको पता है पावर बेस उनको वहां पे रखनी पड़ती है, अगर वो लंदन आ जाते, वॉशिंगटन डीसी आ जाते, वो ब्रसल्स आ जाते और वहां पे मीडिया से बात करते, वैसे पता नहीं अंग्रेजी बोल सकते हैं या नहीं, लेकिन वहां पे आके वो ट्रांसलेटर ही साथ रख के वो कहते कि मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हूं, लेकिन यू नो मैं माइंड ना करना, क्योंकि पाकिस्तान में अगर जरा भी आप कोई ऐसी बात करें फतवा लग जाता है। जो वेस्ट में जो विजुअल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास डॉक्टर मोईद पीरजादा अगर इतना सोना क्लीन शेव अच्छा वेल ड्रेस्ड आदमी अगर आपकी बात कर रहा है वहां पे, अगर सईदा आयशा नाज बात कर रही है, लोग सुनने के लिए तैयार हैं। जब आपने जनाब रंबार रखा हो, पगड़ी हो, वो सबको समझते हैं कि ये तालिबान हैं, वो सबको समझते हैं कि ये ओसामा बिन लादन के वो रिश्तेदार हैं, वो सबके, बल्कि मुझे तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, मुझे तो नहीं अमीद को इनको वीजा भी मिले वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि जो बयानात ये देते हैं। तो आप बंदा वो रखते कश्मीर कमेटी का जो प्रेजेंटेबल हो और दुनिया के लिए, छोड़े दुनिया के सामने उस अंदाज से प्रेजेंट कर सके जिस तरह आप बात कर रहे हैं लॉर्ड अहमद, जिस तरह डॉक्टर मुईद बात करते हैं, जिस तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो जानते हैं कि असल कोर इश्यूज जो कश्मीर के हवाले से हैं वो क्या है दरपेश। लॉर्ड अहमद ने बात की तालिबान की और ओसामा बिन लादन की, तो जाहिर याद आता है इससे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मजम्मत की नहीं जा रही, ये क्या किसने, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ दुनिया में खुश आमदेद। अफगानिस्तान में अगर सूरत हाल खराब हो, पाकिस्तान मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन डॉक्टर मुईद, अब हम जब देख रहे थे कि 6 अप्रैल को वजीर आजम पाकिस्तान का जाना ड्यू था अफगानिस्तान, और उससे पहले हमने ये कार्रवाई देखी, इससे पहले भी जब भी अमन की बात होती है इस नौत की कार्रवाइयां देखी जाती हैं, आप इसका कोई लिंक समझते हैं जैसे मैं समझ रही हूँ या जैसे मीडिया सोच रहा है? अच्छा, मैं तो हमेशा ही लिंक देखता हूँ और जब भी मैं वो लिंक देखने की कोशिश करता हूँ तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ बाहर के इदारों ने शायद उनको पाला हुआ है, जो कहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं तो मसलसल अपने प्रोग्राम्स में और जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है ये कह रहा हूँ कि अमरीकी दर हकीकत अफगानिस्तान से जाना नहीं चाहते और वो नित नए बहाने और एक्सक्यूजेज जो हैं ढूंढ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि अलकायदा की बोगी फ्लाई नहीं करती तो उन्होंने दाइश का एक उन्होंने वहाँ पर शोशा छोड़ दिया, उसके नैरेटिव को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, फिर ये कहना शुरू कर दिया जिम्मेदार लोगों ने, जैसे जलमे खलीलजाद जो पहले अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं, उनके मैंने ट्वीट्स देखे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी लोग जो हैं ये दाइश को खड़ा कर रहे हैं। हालांकि हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग है, हम परेशान हैं कि दाइश जो है ये कहाँ से आ गई है, कौन इनको रिक्रूट कर रहा है, किसने इनका बजट रखा हुआ है, कौन इसको पैसे जो दे रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि 9/11 से अब तक अमरीकी इंतजामिया ने और उनके इदारों ने 16-17 बरस गुजर गए हैं, किसी भी स्टेज पे सीरियस नेगोशिएशन या सीरियस इनिशिएटिव लिया ही नहीं है अफगानिस्तान के अंदर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट का। जाहिर है अफगानिस्तान में तभी पीस होगा, अफगानिस्तान में इसको सारी सूरत हाल को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, और हमारे भी आप अंग्रेजी के अखबार देख लें वो बिल्कुल एकोमोडेटेड हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ, वो बिल्कुल इसको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करते कि अफगानिस्तान में अमरीकी दरहकीकत ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं। लॉर्ड अहमद ने मेरे साथ चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वहाँ एक पाकिस्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्स डिप्लोमेट थे, वो भी सारी सूरत हाल को जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था वो कोई और चीज़ निकाल लेते थे। ये जो बुनियादी चीज़ है कि अमरीका की अफवाज अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं और जहाँ कहीं भी ऑक्यूपेशन फोर्सेज होंगी उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस होगी, फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप उस रेजिस्टेंस के साथ टेबल पे बैठेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसे पूछेंगे भाई आपका क्या एजेंडा है, आपके मुतालबात क्या है। तो कुछ मुतालबात आप नहीं मानेंगे, कुछ आप मानेंगे तभी पीस होगा।
امریکیوں نے یہ ایکسرسائز کی ہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں یہ ایکسرسائز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور وہ مسلسل اپنا الزام جو ہے وہ مسلسل پاکستان پہ پھینک رہے ہیں، بیکاز پاکستان پہ وہ اسی طرح سے الزام پھینک رہے ہیں جس طرح سے کورین پیننسولا میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ جو نارتھ کوریا کی لیڈرشپ ہے کم یونگ جون جو ہے یہ پاگل ہے. آپ دیکھیں امریکی ڈسکرائب ہی ایسے کرتے ہیں کہ نارتھ کوریئنز جو ہیں وہ باربیرک ہیں، وہ میڈیول ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ خون پیتے ہیں، وہ پاگل ہیں، درندے ہیں، اور وہ ایک پورے اس کو کہتے ہیں ڈیمونائزیشن کرنا. اسی طرح سے پاکستان کو شاید نارتھ کوریا کی شکل میں نہیں دکھایا جا سکتا، بیکاز بہت بڑی تعداد میں پاکستانی انگلش بولتے ہیں، دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے ہندوستان اور مغرب کے میڈیا سے کہ پاکستانیوں کو بھی دکھایا جائے کہ پاکستانی ریئیکشنری ہیں، پاگل ہیں، پورے خطے کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. سو یہ ایک ایسی نیریٹو شیپنگ ہے. ابھی انہوں نے تقریباً مجھے جو اندازہ ہے قندوز میں 200 سے زیادہ شاید بچے جو ہیں جی اب تک اگر ہم ٹول دیکھیں تو وہ شہید ہو چکے ہیں. کوئی ایکسپلینیشن کیٹیگورک جو ہوتی ہے جس کو لاجیکل ایکسپلینیشن کہتے ہیں، اسی طرح میڈیسن سانس فرنٹیئر کے ہاسپٹل پہ جب امریکنز نے اٹیک کیا تو عجیب ایکسپلینیشن تھی کہ ان کے ٹروپس کہیں قریب موجود تھے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، کہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں غلطی ہے. ہمارے بارڈر پہ انہوں نے ہمارے 26 سپاہی اور جوان جو تھے انہوں نے مار ڈالے 2011 میں، تو اس کا انہوں نے یہی ایکسپلینیشن دی کہ جی وہ ان سے مسٹیک ہو گئی ہے. ہر انسیڈنٹ کو آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی مسٹیکس رشین سے کیوں نہیں ہو رہی، ٹرکش آرمی لڑ رہی ہے مختلف ایریاز میں اس سے کیوں نہیں ہو رہی، اس قسم کی مسٹیکس تو انڈین آرمی نے بھی کلیم نہیں کی ہیں آج تک کشمیر کے اندر، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مسٹیک سے ایسے ہو گیا. اور اس طرح کی تو یہ وانٹن بامبنگ ہے. لارڈ احمد کا بھی پرسپیکٹو لے لیں، میں تو بہت پریشان ہوں. اچھا لیکن لارڈ احمد، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے صرف سوشل میڈیا پر تذکرہ ہے اور چند ایک تصویریں، لیکن جتنے بڑا ہولناک واقعہ ہے یہ اس طرح سے دنیا اس کی مذمت نہیں کر رہی ہے. کہیں اور ہوا ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ اس کے بعد آپریشن شروع کر دیا جاتا. ایک طرف افغان حکومت مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے، دوسری طرف بمباری کر دی جاتی ہے. یہ تو ایسے ہے بالکل کہ آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کرنے بھی نہیں دے رہے. عائشہ، ایک تو ویسٹ جو ہے وہ اپنی گلٹ میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنی گلٹ جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جوئش کمیونٹیز کو قتل کیا گیا، تو جو ان کو گیس چیمبرز میں مارا گیا، آج وہ گلٹ کانشنس کی وجہ سے وہ جوئش کمیونٹیز اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. یہاں عراق افغانستان کے اندر 1 ملین لوگ جو ویسٹرن پاورز نے، نیٹو نے بومنگ کر کے، امریکہ اور دوسرے ممالک نے جو یہاں پہ شہید کیے ہیں، وہ ان کے لیے 200, 100, 400 ان کے لیے کوئی بڑا فگر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو کہ یہ نارمل روٹین ہے. اب کیا ہے، افغانستان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ طالبان فائٹرز تھے، اور جو آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور الجزیرہ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے جو تصویریں قرآن حفظ کرنے والے جو بچے وہاں پہ، ان کا پروگرام تھا جو قرآن پڑھ کے، جو تجوید پڑھ کے، جو دوسری اسلامک کلاس، وہ ان کو انعامات تقسیم کرنے کا وہ ایک پروگرام تھا جی. وہ بچے وہاں پہ، وہ اس کام کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 1-2 طالبان کے لڑنے والے وہاں پہ ان کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یعنی وہاں پہ بومنگ کر کے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ اٹیک کر کے بچوں کو، یہ کلیٹرل ڈیمیج اتنا کہ ایک بندے کے لیے آپ نے یعنی 100 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا، تو اور پھر اتنا بڑا نقصان. ایکچولی یہ سمجھتے نہیں ہیں. میں جو ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں کہ جو بھی یہ افغانستان گورنمنٹ کہے، آج جو 100 بچے کو جنہوں نے شہید کیا، آج میں آپ سے یعنی آئی کین ٹیل یو مائی اون ایکسپیرئنس، میں تو لال مسجد کے بعد بھی یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد آپ کے 1000 فائٹر بنیں گے جو سوئسائڈ بومر بن کے وہ اٹیک کریں گے، وہ امریکنز کے اوپر بھی، افغانی فوج کے اوپر بھی. جب وہ بچے امریکن سے پہلے پاکستان کو ہٹ کیا جاتا ہے لارڈ احمد، امریکہ وہاں بیٹھا ہے، وہ یہاں یہ کام کر کے پاکستان کو زیادہ متاثر کرتا ہے، خطے کو زیادہ عدم استحکام کا شکار کرتا ہے. عائشہ میں تھوڑا سا جی ڈاکٹر محیط، میں لارڈ احمد جواب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیے اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے لوگوں کے لیے جو ایک وائٹ آدمی ہے جس کی بلو یا گرین یا لائٹ براؤن آنکھیں ہیں اور لائٹ بال ہیں، اس کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہے،
और जो डार्क स्किन या डार्क आईज लोग हैं इस पर बड़ी रेसिज्म इन्वॉल्व है, इसके अंदर बड़ा नस्ली इम्तियाज है। जब जो सफेद फॉर्म लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो गालिबन बहुत ज्यादा उसको एक्सपेंसिव समझा जाता है, उसको डेयर समझा जाता है। सो अमरीकी अफवाज का जो रद्द अमल है बाकी सारी दुनिया के लोगों की तरफ वो ये है कि अमरीका के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, उनकी जिंदगी उनको बहुत ज्यादा अजीज है। बिकॉज अगर उनकी जब कॉफिन या उनकी डेड बॉडी वापस अमेरिका जाती है तो उसका बड़ा रिएक्शन होता है, उसको छुपाते नहीं और उसको एडमिट भी नहीं। डार साहब अगर ये अगर बात है तो सर मैं पूरी बात को एक्सप्लेन कर दूं सर, असम्पशन पे ना चले सर, मैं एक्सप्लेन तो करूं ना सर, वो मैं उसको लेके आता हूं उसके अंदर। देखिए बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं कि हालांकि वो जंग लड़ रहे हैं लेकिन उनको ये कबूल नहीं है कि उनके सिपाहियों की जिंदगी को खतरा हो। सो जो बहुत से ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन या इन्फोर्समेंट ऑपरेशन ग्राउंड फोर्सेस के जरिए करने होते हैं वो नहीं करते हैं, जिस तरह से हमारी अफवाज जो हैं वो एक एक इंच के ऊपर गई हुई हैं सवात में, फाटा में, हम वहां प्रेजेंट हैं, वहां जाके हमने अपने खून के कतरे गिराए हैं, वो ये चीज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी जिंदगी बहुत अजीज है इसलिए वो एयर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। अब हिंदुस्तान की जो कामयाबी है कि उन्होंने उसी तरह से अपने आप को अमेरिकन और वेस्टर्न नैरेटिव का हिस्सा बना लिया है, जैसे 20वीं सदी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुई है जिसे कहते हैं ग्रीको क्रिश्चियन इनहेरिटेंस, सॉरी जुडियो क्रिश्चियन इनहेरिटेंस। हालांकि क्रिश्चियंस ने इस्तेहसाल किया और 2000 साल तक मारा पीटा, फिर 19वीं सदी के बाद एक नई इस्तलाह इस्तेमाल हो गई कि जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन और इनहेरिटेंस एक है। इसी तरह इंडो अमेरिकन जो है वो अमेरिकन और इसराइली, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव की अर्ली 90s में, हिंदुस्तानियों ने अपने आप को अमेरिका और इसराइल के ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा बना लिया है। ये हमारी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस है कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाए हैं। हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे जराए इब्लाग अपना एयर टाइम जाया कर रहे हैं, एक्चुअल इश्यूज हमारे पास नहीं है। हम अंग्रेजी जुबान के खिलाफ भी यहां हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और हमारे अपने जो सेट्स ऑफ प्रेजडिसेस हैं वो हमें मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें इस सुकड़ती हुई छोटी होती हुई दुनिया का हिस्सा बनने की जरूरत है। जब तक हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे ये दुनिया इसी तरह से हमें मारती रहेगी और इस पर बात नहीं करने दी जाएगी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मुस्लिम उम्मा की हालत इजहार के बारे में कंक्लूड हम यही करेंगे कि मुसलमानों को अपने आप को जदीद उलूम से आरास्ता करने की जरूरत है, वरना इसी तरह हम मरते रहेंगे और हमें खुद पर मातम करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं जिसमें लॉर्ड अहमद नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं सटपटा के कि पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रही, सारे मामला चीफ जस्टिस के हवाले कर देने चाहिए और एक चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की भी पाकिस्तानी मीडिया में गूंज है। नवाज शरीफ साहब वो पेंटमाइम तमाशा ड्रामा वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक तो नैब कोर्ट के अंदर जो हकायक पेश किए जा रहे हैं, मैं कल एक्चुअली यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मीटिंग थी, गपशप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा कि भाई एक्चुअली नैब कोर्ट में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ आप टीवी पे देखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, अंदर जो कुछ हो रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और उन्होंने मुझे बताया कि ख्वाजा हैरिस साहब जो वकील हैं वो इतने मास्टर हैं कि जब उसके कोर्ट के अंदर वो सवालात पूछते हैं वाजिद साहब से, वाजिद ज़िया से, तो वो इस किस्म का सवाल पूछते हैं जिसमें उनसे नोक कलवाते हैं कि भाई आप इस बात में कोई एक्सपर्ट हैं, आप वहां पे मौजूद थे ये जब ये सैलरी जो है उनकी पैक हो रही थी या उनको उठकर, तो जाहिर है ही वॉजेंट, वो तो पाकिस्तान में थे, वो तो एविडेंस वो पेपर वर्क की ट्रेल की ही दे सकते हैं, जो लॉजिक तरीका है वही कर सकते हैं। अब क्योंकि ना हो गया तो ये आके बाहर कहते हैं देखिए उनके पास एविडेंस ही नहीं है, वो उस हर बात का जवाब, अच्छा फिर वो अपनी आवाज जो है वो इतनी रेज करते हैं और इस तरीके से जिस तरह
हमारा हेडमास्टर बात करता है, वो बेचारे कभी कभी पानी के लिए भी कहते हैं, फिर बाहर जो उनके अपना मीडिया बैठा हुआ कहता है कि वो बेचारा इतना उसका मुंह सूख गया, वो पानी पीने के लिए उसने, लेकिन आज आपने देखा है वो ट्रेल उनके सामने आ गया है, वो जो सैलरीज लेते रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ डे, वो उस कंपनी से तनख्वाह लेते रहे, उसका ट्रेल उसकी ऑडिटेड वो, लेकिन लॉर्ड हेमंत आप देखिए वो क्या रहा है डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए देखिए जी बताएं, लॉर्ड अहमद नवाज शरीफ साहब की और उनके उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसको इस्तेमाल करके जो नैप कोर्ट का प्रोसेस है उसकी जो इंटेग्रिटी है उसे अंडरमाइन किया जाए, उस पर दो गोल्स हैं। एक गोल तो यह है कि इस किस्म का भारी पब्लिक नैरेटिव आप शेप करें कि जो जज साहब जिन्होंने बहरहाल एक डिसीजन लिखना है उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा जहनी दबाव बिल्डअप करें, और दूसरा यह है कि जो भी डिसीजन कोर्ट का आता है अगर बिलफर्ज जज का डिसीजन रिलीफ नहीं देता, उनके फेवर में नहीं आता जो ख्वाजा हारिस और नवाज शरीफ हासिल करना चाहते हैं, तो आप एक पब्लिक के अंदर इतना ज्यादा पब्लिक को इतना मुतनफर कर दें नैब से और नैब की कोर्ट से कि जब डिसीजन आए तो पब्लिक ये महसूस करे कि देखें जो एविडेंसेस सारी आ रही थी वो तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ आ ही नहीं रहा था, कुछ साबित हो ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद डिसीजन उनके सामने आ गया है। जैसा कि आपने कहा कि उनसे पूछा जाता है कि आप औरत तो नहीं है, आप औरत हैं, वो कहते हैं जी मैं औरत नहीं हूं, उनसे कहा जाता है कि आप 8 फुट के हैं, वो कहते हैं मैं 8 फुट का नहीं हूं, ठीक है इस तरह आप ये भी, इसके बारे में कल रऊफ क्लासा साहब ने एक प्रोग्राम में एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जिस तरह से मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है बहुत जल्दी अखबारों में ये छपा हुआ आएगा कि वाजिद जिया ने ये मान लिया है कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट ये उन्हीं के हैं, ये वाजिद जिया कहेंगे ये मेरे ही हैं, ये मेरी ही सारी साजिश है जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया का 70-75% हिस्सा जो है अंग्रेजी अखबार का, इंतहाई वो अखबार जो मोतबर अखबार रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, उन्होंने इस तरह से अपनी सौदाबाजी कर ली है इस पूरे नैरेटिव में। अभी देखें मैं इस डिस्कशन से पहले देख रहा था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में आज की प्रोसीडिंग के बारे में ये लिखा गया है कि नैब ने ये मान लिया है वाजिद जिया ने कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एविडेंस आई है जिस इकामा वाली ये सिर्फ एक दिन के अंदर उनको मिल गई थी। भाई उसको क्या 100 दिन लगने थे जब वहां पे वो ऑफिसर गए हैं उनको एविडेंस मिल गई है, और उसमें ये तासुर भी दिया जा रहा है कि जैसे ये एविडेंस सिर्फ इसलिए निकाली गई ताकि नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन इसी एविडेंस में होनी थी। हालांकि रोना तो ये है कि जो जज साहिबान ने डिसीजन लिखा है फाइनल डिसीजन लिखा है उसमें उसमें उनको लिखना चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सवाल का जो उनसे पूछे गए हैं वो उसका खातर खा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में दे सके हैं, ना जेआईटी के सामने दे सके हैं, और ना फाइनल प्रोसीडिंग के अंदर दे सके हैं। तो और ये जो चीज है कि इकामा उनका था इसको तो नवाज शरीफ साहब के वकला ने खुद जाके वहां माना, यानी ये कोई डन डील थोड़ा थी कि इकामा पर ही उनकी कन्विक्शन होगी। जब एक डिफेंडेंट खुद जाके खुद पुकार पुकार के कह रहा है, उसके वकील पुकार पुकार के अदालत के सामने इकामा के कागज रख रहे हैं और उसको मान रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ख्वाजा हारिस साहब की स्ट्रेटजी ये थी कि सबसे आसान चीज पे कन्विक्शन करवा लें। और ये हम कह सकते हैं कि गालिबन कोई मसलहत ऐसी थी उस सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की, वो एक के जानबूझ के डिसीजन को इकामा पे लाया गया, जहां अब ये बात अब क्या है कि अब फोकस इकामा पे हो गया है और अब इकामा को जो है वो उसको अनडू करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे नैब ने एक साजिश की और एक दिन में जाके इकामा के कागज ले आए। तो मैं समझता हूं कि एक इसमें मीडिया का जो रोल है पाकिस्तान के मीडिया का वो शर्मनाक है, अफसोसनाक है, और वो ये साबित करता है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ सौदेबाजी की हुई है। चलिए ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन लॉर्ड अहमद शहबाज शरीफ वजीर अला पंजाब जो आपके दोस्त भी हैं वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं आर्मी चीफ की, कह रहे हैं जो कर रहे हैं आर्मी चीफ सीधी बात करते हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए वो जो भी कर रहे हैं, और फिर चौधरी निसार से भी उन्होंने मुलाकात की, तो इस सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ हैं वजीर अला पंजाब उनका क्या रोल है? वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको ऐसी ही बात करनी चाहिए जो किसी बड़े लीडर को अपनी फौज की इसको हम खबर बना ले लॉर्ड अहमद के वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं 2018 के इलेक्शंस के बाद। नहीं मैं देखें वो हैवी मेजोरिटी से तो नहीं, एक हंग पार्लियामेंट से वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन एक जो लीडर सामने आता है, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को तो पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं बनेंगे, वो इसलिए वो एक्चुअली जितना शोर मचा रहे हैं ये पेंटोमाइम जो मैंने कहा है ना, ये ड्रामा तमाशा ये सारा जो 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 कुछ हो रहा है वो, अच्छा वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते कि जरदारी साहब उन्हें सियासत से बाहर करने लगे हैं, उन्होंने कह दिया है इस वजह से जरदारी साहब साथ नहीं दे रहे वो नहीं बन सकते।
نہیں زرداری صاحب نے اپنی بھی جو سیاست ہے اس کو چمکانا ہے، اور بلکہ یہاں پہ تو پاکستان میں تو لوگ بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہی وہ اپینین لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اب اتنی سٹیٹسمن کی وہ تقریر کرتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی ان کی باری ہے اب. میرے خیال میں ان کی باری نہیں ہے، میرے خیال میں جو ان کا بیٹا ہے شاید اس کی باری اس بار نہ ہو، نیکسٹ ٹائم نہ ہو، اگلے بار ہو جائے، لیکن زرداری صاحب کی باری نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں گا کہ جتنی چوری اور جتنے ڈاکے اور جتنے جو سوٹ کیسز بھر کے ڈالرز یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لاسٹ گورنمنٹ نے مجھے لڑے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، نیب نے ان کے خلاف سارے کیسز ختم کروا دیے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ملا، فوٹو اسٹیٹڈ ڈاکیومنٹ پیش کیے گئے ہیں، نہیں ہوا نہیں وہ ابھی نہیں ہوئے. آپ ذرا انتظار کریں، صبر کریں، انشاءاللہ جب الیکشن کے بعد نئے پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، جو بھی آئیں گے، انشاءاللہ وہ کیسز کھلیں گے. سب لوگوں کے خلاف اگر سٹیٹ آف پاکستان کیسز کھول دے تو یہ تو سارے سڑکوں پہ آ کے اتحاد کر لیں گے اور سول وار کروا دیں گے. آپ صبر کریں، سیاست سمجھتی ہیں تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور سب کی باری آئے گی. ہمیں سمجھنے والے آپ لوگ ہیں لارڈ احمد، ڈاکٹر محید، ہم تو صحافت کو سمجھ لیں، یہ بڑی بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، لارڈ احمد، ڈاکٹر محید آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا شکریہ، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ نے کے بعد.